उसको इस तरीके का है, हॉट 30 आए और यहाँ पर सामने सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, पीछे देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, फटाफट से देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या कुछ खास मिलता है। ऑल राइट, तो ये है आपका फोन जिसमें देखेंगे, हाँ बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पर डायमंड कट यहाँ पर डिजाइन मिलता है, और ये पॉलीकार्बोनेट बैक है लेकिन ग्लास फिनिश के साथ आपको मिलता है, मतलब फील ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये पूरा ग्लास है। पॉलीकार्बोनेट आपको फ्रेम्स मिलते हैं, बॉक्सी स्टाइल है, राउंडेड एजेस है, लेकिन डेफिनेटली दिखने में प्राइस के हिसाब से काफी प्रीमियम लगता है। अक्सर फोन्स ऐसे नहीं होते इस प्राइस रेंज पर। इतना ही नहीं, इसके ऊपर एक और कमाल का इनका प्रीमियम लेदर फिनिश वाला भी आ रहा है, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें आपको ये 8.4 mm की थिकनेस है और 191 ग्राम्स का है, तो थिकनेस और वेट भी मुझे लगता है कि प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। IP53 रेटिंग्स भी देखने को मिलती है जो अक्सर इस प्राइस पर नहीं होता है। उसी के साथ आपको यहाँ पर 3.5 एफएम जैक, सिंगल माइक है, टाइप सी पोर्ट, एक ही स्पीकर है, ऊपर आपको सेकेंडरी माइक खोलनी है। ये चीज मैं हमेशा से फीडबैक देता हूँ इन्फिनिक्स को ऐड करने के लिए, तो फ्यूचर में करा तो अच्छा रहेगा। फुल साइज आपको यहाँ पर सिम ट्रे मिलता है, राइट साइड में पावर बटन, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर अब थोड़ा अपग्रेड हुआ है प्राइस रेंज के हिसाब से, पहले से थोड़ा सा मुझे फास्ट लगा है। हैप्टिक्स वगैरह भी यहाँ पर अच्छा, और आपको ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की भी मिलती है। लेकिन एक चीज हमने और नोटिस किया डिजाइन को लेकर, कैमरा जो उन्होंने प्लेसमेंट किया है, बड़े बड़े सेंसर्स देकर जो फ्लैशलाइट वगैरह भी दिया है, डेफिनेटली देखकर बहुत ही मिनिमलिस्टिक लगता है। रही बात बॉक्स कंटेंट की, तो भाई आपको दिखा देते हैं कि आपको बॉक्स में एक टाइप सी केबल उन्होंने दिया है, आपको एक 10 वॉट का चार्जर दे दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने आपको एक बैक केस भी दिया है। ये देखेंगे, और ये अच्छा है कि उन्होंने प्राइस के हिसाब से बॉक्स में दिया है। मैं बार बार प्राइस के हिसाब से इसलिए बोलता हूं कि जनरली बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, बट इन्फिनिक्स कर लेता है इस प्राइस रेंज पर। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.6 इंच की HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले, बड़ी स्क्रीन साइज है। इनफैक्ट इसमें 500 nits की पीक ब्राइटनेस है, जो मुझे अच्छा लगा। इंडोर में विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी थी, आउट